बसमिल्लर रख़ीम हाँ आज हम जी सी का अहम डिडेक्टर इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिडेक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम ई सी डी के नाम से भी जानते हैं ई e सी डी यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिडेक्टर अब इसको सबसे पहले अगर स्टेट किया जाए कि ये है क्या इसकी स्टेटमेंट लिखी जाए कि क्या काम करता है तो किस तरह से काम करता है इसमें हम ये लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिडेक्टर डिवाइस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे डिटेक्टर भी लिख सकते हैं मालिक्यूल के लिए यूज होगी और इन द गैस वो वाले एटम या मालिक्यूल जो किस फॉर्म में होंगे गैस फॉर्म में होंगे इनमें जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ये जो एटम या मालिक्यूल है वो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे हेलोजें आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप जर्नली एटम और मालिक्यूल भी कह सकते हैं स्पेसिफिकली ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है इसमें ज्यादातर हैलोजेंस की डिटर्मिनेशन की जाती है डिटेक्शन की जाती है किसके जरिए थ्रू द अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के जरिए अटैचमेंट करने से किस तरह से वो हम इसकी वर्किंग में देखेंगे प्रिंसिपल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर आयोनाइजेशन इसका प्रिंसिपल क्या होगा ये एक लाइन प्रिंसिपल की है क्या अलेक्ट्रॉन कैप्चर आयोनाइजेशन यानी कि अलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आपकी लूट की आयोनाइजेशन कर देंगे हम वर्किंग और प्रिंसिपल में देखते हैं अब हम सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि यह किस तरह से काम करता है अच्छा बेटे अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में देखिएगा कि यहां पे एक हमने निकल सोर्स सेट किया होता है हमने उसकी जगह को सेट करना है ये नीचे से आपका कॉलम से वो एरिया है जहां से ल्यूट आएगा यहां से ल्यूट ने आना है ये वही इलाका है जो आपका कॉलम से आ रहा है जीसी से ये आपका कॉलम है और यहां से ल्यूट यानी कि सैंपल इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहां से आपके इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के अंदर अब बेटे यहां पे इस तरह इसका आउटसाइड वे है जहां से आपका अल्यूट एल्यूट जो है वो बाहर निकलेगा अब यहां पे क्या होगा बेटा बात समझिएगा अब इसके इस एरिए में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा जी यहां पे। जी आपका क्या है एक इलेक्ट्रोड है जिसको इलेक्ट्रॉन कलेक्टर भी बोलते हैं जी एक आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगाया जाएगा बेटे इस साइड पे भी आपके इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा इसकी ये देखे दोनों साइड पे हमने क्या लगा दिए हैं इलेक्ट्रोड लगा दिए क्या लगा दिए हैं इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई यहां पे आपने एक प्लाटीनियम का सबसे अंदर वायर लेना है और अब इसके ऊपर निकल की कोटिंग करनी है, एब्सॉर्ब निकल लगाना है यहां ये निकल का दरअसल सोर्स चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये है निकल और निकल स्पेसिफिकली 63 वाला निकल लेंगे जी हम यहां पे। ये निकल है और कौन सा 63 वाला और यही हमारा वो इमिटर सोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जाना है अब बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है या इसे सेंसर भी बोलते हैं यहां पे आप समझ लेंगे एक ये ब्लैक जो इसके बाद लगा रहा हूं ये वाला ये एक सेंसर है सेंसर है जो सेंस करेगा जरा से अब बेटा बड़ी तवज्जो से बात सुननी है ये निकल इलेक्ट्रॉन एमिटर सोर्स है ये मैंने बता चुका हूं यही एमिटर है ये निकल है इसके अंदर प्लाटीनियम है अब यह निकल जो है यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट किया जाएगा यहां पे एक नाउन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मौजूद होगी मेरी बात समझ रहे है, यहां पे क्या होगा बेटा एक नाउन कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगी वो हमें सेंसर या इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बता रहा होगा अब क्या होगा जब एल्यूट यहां से दाखिल होगा बात को समझिएगा कि यह ग्रीन एल्यूट यानी कि वो सैंपल जब इसके अंदर दाखिल किया जाएगा तो जब ये मूव करता हुआ इस सोर्स में दाखिल होगा इस कैप्सूल में दाखिल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन मौजूद है बेटे जब यहां पे पहुंचेगी तो अब इन एल्यूट के मालिक्यूल्स या एटम्स की आयोनाइजेशन हो जाएगी कहाँ से जो पहले से मौजूद यहां पे ये इलेक्ट्रॉन मौजूद थे अब यहां वाला जो करंट इलेक्ट्रॉन थे वो इस ल्यूट को आयोनाइज करने में इस्तेमाल हो जाएंगे अब इनकी यहां पे जो पोटेंशियल था वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है वहां से हम अंदाजा लगा लेंगे कि किस लेवल का ल्यूट अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था या उस ल्यूट की कंसंट्रेशन क्या थी मेरी बात समझे दोबारा से बात को जज कर ले एक नाउन इलेक्ट्रॉन मौजूद थे क्या थे इलेक्ट्रॉन मौजूद थे फर्ज करें यहां से मैं कहता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेक्ट्रॉन टेन इलेक्ट्रॉन मौजूद है जब यहां से अल्यूट आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस ल्यूट की आयोनाइजेशन करना शुरू कर देंगे और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी करंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अब वो कितनी कम होगी जितना यहां से ल्यूट अंदर दाखिल हुआ है तो इस तरह हमें यहां से जब करंट डिक्रीज होगा तो हमें आने वाले ल्यूट की कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी वैसा बेटा इसका, इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है यानी कि हैलोजेंस वगैरह और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिस्पॉन्ड जो है वो नॉन लीनियर होता है बेटा ये था इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज फी अमान